हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक्स पावर्ड बाय इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम पुणे। माय सेल्फ ज्योति सपकाळे और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज। मैं आज आपके लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आई हूँ, सो आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यहाँ पर भी थर्मिस्टर के टू टाइप्स हैं, NTC बोलते हैं हम उसको एंड PTC भी बोलते हैं। तो NTC मतलब क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बात है, अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड बी NTC एंड पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट इट इज अ PTC। विथ NTC थर्मिस्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ओके, तो NTC पे क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है उसे, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ओके, एंड इन केस ऑफ PTC मतलब अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, अभी रिलेशनशिप कैसे देते हैं रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का, मैं आपको बताती हूँ इन केस ऑफ द NTC। द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर इन एन NTC थर्मिस्टर कैसे देते हैं, तो वो इक्वेशन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज़ गिवन एज RT इज इक्वल टू R0 इरेज टू बीटा इन ब्रैकेट 1 अपॉन T माइनस 1 अपॉन T0। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर RT क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T केल्विन। यहाँ पर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, ये टेम्परेचर हमारा केल्विन में है। तो R0 इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0 केल्विन। ओके, जो जीरो टेम्परेचर है हमारा इनिशियल, वहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये ले रहे हैं हम। फिर T0 इज द रेफरेंस टेम्परेचर, जबकि हमें वो 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। उसके बाद में जो बीटा है, बीटा एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू चेंज होती है, जैसे इट इज डिपेंड ऑन द मटेरियल। जो भी मटेरियल हम यूज़ करते हैं यहाँ पर NTC फॉर्मेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ पर बीटा की वैल्यू समझ में आएगी या फिर वहाँ पर वो सेट होगी। नॉमिनल वैल्यू अगर लेनी है हमें बीटा की, तो वो हम 4000 ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो PTC है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये थर्मिस्टर कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो दिस मोस्ट कॉमन यूज जो है यहाँ का, दिस थर्मिस्टर का, PTC का, इट इज़ इन डिजिटल थर्मामीटर, थर्मामीटर में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कि कार में टू मेजर द ऑयल एंड द कूलेंट टेम्परेचर्स, इन हाउस होल्ड अप्लायंसेज जैसे कि हम माइक्रोवेव है, हमारा रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पर PTC ही यूज़ किया जाता है। और फ्रेंड्स, PTC जो है ये एक प्रोटेक्शन सर्किट में भी यूज़ करते हैं। तो अभी ये प्रोटेक्शन सर्किट में कैसे यूज़ किया जाता है ये मैं आपको बता दी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इन अ PTC थर्मिस्टर अगर वो हीट होता है मतलब क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ पर का बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज होता है यहाँ का, आपको आप सभी को तो अभी ये पता चल चुका है। तो ये क्या क्रिएट करता है, दिस क्रिएट्स अ सेल्फ रीइंफोर्सिंग इफेक्ट, सेल्फ रीइंफोर्सिंग इफेक्ट ये क्रिएट करता है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस इन अपर डायरेक्शन में फ्लो होता है, मतलब वो बढ़ जाता है, एंड देयरफॉर इट लिमिट्स द करंट। आप सभी को पता है कि रेजिस्टर का काम क्या होता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। यहाँ पर हमारा PTC में रेजिस्टेंस ही इतना बढ़ता है, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द सेल्फ रीइंफोर्सिंग इफेक्ट, इसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ता है तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, कम होगा यहाँ पर। ओके, तो इन दिस वे इट एक्ट्स एज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस, मतलब अगर हमें इसको प्रोटेक्शन सर्किट में यूज करना है फॉर द सेफ्टी ऑपरेशन, तो हम इसी तरीके से यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसके वजह से करंट में लिमिट आ रहा है और हम ये थर्मिस्टर यूज कर पाए। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं सेंसिस्टर के बारे में। जैसे कि हमने अभी थर्मिस्टर पढ़ा है, तो हमारा ये नया टॉपिक है सेंसिस्टर। तो सेंसिस्टर में भी क्या हो रहा है, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस विद टेम्परेचर। जैसे जैसे भी टेम्परेचर में चेंज होगा, यहाँ पर भी क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस में चेंज होगा। बट यहाँ पर एक तो डिफरेंस है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है, रेजिस्टेंस जो है, इट विल नॉट लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज विद चेंज इन द टेम्परेचर, यहाँ पर वो एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, अगर कम होता है तो वो भी कम होता जाता है। यहाँ पर उसका पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट आ रहा है और वो है 0.7
परसेंट पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब पीटीसी थर्मिस्टर कैसे काम करता है, उसी तरीके से सेंसिस्टर्स भी काम कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, नॉट ए निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, प्लीज शेयर करना ना भूलिए।